चलो फौजी भाइयों का रंगारंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। अपना अपना तंबू उखाड़ो, बिस्तरा बांधो और चलो मेरे साथ। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? साला आ गया। मैंने कहा था ना मैं आऊंगा और लेकर जाऊंगा। वैन लेकर आया हूँ, अपनी अपनी रैंक के हिसाब से बैठ जाओ। जाओ। किस जुर्म में? गिनो। जुर्म नंबर एक, इलाके में दहशत फैलाना। जुर्म नंबर दो, गांव वालों की जान खतरे में डालना। और जुर्म नंबर तीन, किसी शरीफ लड़की के घर में घुस के बैठ जाना। फिजूल बातें मत करो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो मैं दिखाऊंगा ही, पहले उससे तो पूछो जिसने शिकायत की है आप लोगों के बारे में। संध्या बेटी, जरा बताओ इनको, बताओ इनको। ये क्या मजाक है संध्या? अरे ऐसा इधर बुला के धोखा करने का? उस दिन हमारी बात हुई, मैंने समझाया था तुम्हें, फिर भी मैंने अपने पापा को मरते नहीं देखा सर। लेकिन अस्पताल में पांडे जी को देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मौत कितनी भयानक होती है। पापा को मरते वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी। मैंने अब सब में अपने पापा को देखा है। मैं किसी को भी मरते हुए देख नहीं सकती, नहीं देख सकती मैं किसी को भी मरते हुए। इसलिए मैंने मैजिस्ट्रेट साहब को चिट्ठी लिखी कि आप लोगों को यहां से शहर ले जाए। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। चलो 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 भाई, मुलाकात का वक्त पूरा हो गया, चलो। अरे जाना कहाँ है हमें? मैजिस्ट्रेट साहब के पास। जीप खराब हो गई है, एक तो सरकार खटारा गाड़ी देती है, बोलती है जगीरा को पकड़ो, सीधे मजिस्ट्रेट साहब के घर लेके जाओ। जा। जी सर। संध्या बीवी, डीएम साहब यहाँ से कोई मिलने आए हैं? मजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस से आया हूँ, फौजियों को लेने। कहाँ है फौजी? जगीरा के दरबार में सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत तरसाया रे, आज मिली है सूरतिया देखवे को। कौन है रे सरदार? सरदार? सरदार जी तो यहाँ कोई भी नहीं है, दो मोने पंजाबी साहब हैं, कर्नल पुरी साहब, कर्नल पुरी साहब। अरे वो लीडर के बारे में पूछ रहा है। लीडर के बारे में? लीडर बात तो क्या कहना है? कहने कछु नहीं है महाराज, घर आज्ञा हो तो कछु पूछने है। अरे ई उम्र में तो लोग काशी हरिद्वार जात हैं, फिर तुम हिया।
इन पत्थरों के बीच मरवे काए चले आए? मरने नहीं, मारने आए हैं जगीरा। देवदुर्ग के लोगों को तुम्हारे आतंक से बचाने आए हैं। सुना, जय बचावे आए हैं। अरे काय काय करत रह जाओगे, भूखे मरोगे। जे बचावे आए हैं। फौजी, चूहों और मेंढक को बचाओगे तो सांप का खाएगा, बकरी और हिरन को बचाओगे तो शेर का खाएगा। ई सब को तुम बदल नहीं सकत फौजी, ई सब प्रकृति का नियम है। हाँ, और संसार का नियम है, जानवर जब आदम खोर बन जाए तो उसकी चमड़ी उधेड़ कर दीवार पर चिपका दी जाती है। कहना का चाहत हो फौजी? सरेंडर, जान बच सकती है। जेबा, तो तुम चाहत हो कि हम सरेंडर कर दें? अरे हमरी तो खपड़िया चकरा गई रे। हे फौजी, या तो तुम पगला गए हो या हमें पागल समझ रहे हो। हम तो सोचे थे जे साले हमसे अपनी जिंदगी की भीख मांग है, पर यहां तो उल्टा हो गया रे। जे चाहते कि हम इनके सामने हथियार डाल दें, झुक जाए और घुटनों पे आके अपना माथा इनके पांव पे टिका के हाथ में समर्पण कर दें। नहीं नहीं नहीं, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हाथ ऊपर करेगा ना, हम समझ जाएंगे। साला, जे भी बोला, जे भी बोला साला, कर्म का जला जो करना है वो करो, भून डालो सालों को। नहीं सर, सर प्लीज, सर मुझे मत मारिए सर। इन लोगों की तरह मैं फौजी थोड़ी ना सर। मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ सर। एक दिन मेरे को चिट्ठी आई और वो वाले साहब है ना, वो वाले साहब बोले चल हमारे साथ, तेरे को फौजी बनाएंगे हम। उदित देखा सर, अभी भी डांट रहे मेरे को। नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। सुना आपने,
जंगीरा। बड़ी मुश्किल से हाथ आया है तू, आज तो तुझे खोल के ही रहूंगा। नहीं सरफराज, टुकड़े टुकड़े कर दो साले के। नहीं, इसे मारना मत। कानून को जगीरा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मैं तो कहता हूँ काट डाल साले को। नहीं, काट डालो। हम इसे पुलिस के हवाले करेंगे। जज्बाती मत बनो किशनकांत, हम इसे यही खत्म कर देते हैं। हाँ, हमारे मिशन का मकसद था जगीरा की मौत। हमारे मिशन का मकसद है लोगों के दिलों से जगीरा के खौफ को मिटाना, और ये तभी हो सकता है जब एक आम आदमी की तरह कानून इसे सजा देगा। कोई भी साला अपनी जगह से हिलेगा नहीं। चारों तरफ से पुलिस से घेर लिया है। अपने अपने हथियार फेंक दो और हाथ ऊपर उठाओ। तुम सिर्फ गांव वालों के रखवाले हो, कानून के नहीं। कानून के रखवाले हम हैं। और जगीरा भी तुम्हारी तरह इसी देश का नागरिक है। इसको सजा देने का हक सिर्फ कानून को है, तुमको नहीं। चल हटा हटा हटा। चले साला, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है साले को। चल चल। बार साहब एक फोटो। हटा हटा हटा। एक फोटो सर। रुक रुक रुक, इधर है ना, इधर है ना। यस है? चल जगीरा को पकड़कर कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और अच्छा लगता अगर मैंने उसको 2-4 साल पहले पकड़ा होता। क्या है कि कुछ मासूम लोगों की जानें बच जाती ना, वैसा अच्छा लगता है। हमने सुना है जगीरा को पकड़ने में कुछ फौजियों ने आपकी मदद की। कौन बोला है? कौन बोला है? मैं अकेला था, पुलिस वाले थे पीछे, आगे मैं अकेला था। तो उन फौजियों ने आपकी मदद नहीं की? नहीं रे नहीं, बूढ़े हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो गांव में पड़े रहते। मैं अकेला था। तो इनाम के पैसे भी आप अकेले रखेंगे? हाँ, नहीं नहीं, मतलब कि हाँ, क्या कि पुलिस स्टेशन की जो हमारी बेवाएं हैं, हमारे साथियों ने जो बलिदान दिया है, मैं उसमें बांट दूंगा ना। बाकी का पुलिस स्टेशन की पेंटिंग के लिए, मरम्मत के लिए, पंखे लगवाने 2-3, और उसके बाद अगर कुछ बचा तो मैं रख लूंगा। उसमें क्या हर्ज है। थैंक यू। जय हिंद। चल उड़ जा रे पंछी के, अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। मुक्ति, वर्दी से गद्दारी करते हुए दिल तो बहुत दुख रहा है, लेकिन क्या करें, तेरा भी तो नमक खाया है।
अब 4-6 महीने के लिए हवा हो जा, समझा? ये बात सही बोला थानेदार, पर गलत टाइम पे अगर तैने हमारा साथ ना दिया होता तो ये वक्त तेरी कटी हुई खपड़िया के साथ गिद्ध खेल रहे होते। हाँ, गुस्सा करना तो जायज है जगीरा भाई, लेकिन हम तो घर वाले हैं, फौजियों पे निकालो। उन फौजियों के तो हम इतने टुकड़ा कर हैं कि उन्हें उठाना नहीं समेटना पड़े। क्रियाक्रम करवे वाले परेशान हो गए हैं कि सर किसका है और धड़ किसका। चलो रे। कौन पंगा ले इनसे, कोई भरोसा नहीं, कभी भी नेता बन जाए। अच्छा, ये बिजुन कह रहा था कि तुम यहाँ कुछ जमीन में देख रहे हो, यहीं रुकने वाले हो, ये क्या चक्कर है? उस साले बातूनी के पेट में कभी कोई बात रहती नहीं। लेकिन तुम यहाँ करोगे क्या? शहर में भी क्या करूंगा सर, कम से कम यहाँ पर सुकून तो है, और फिर एक नई जिम्मेदारी है लाली की, हो सकता है उसमें अपनी बबली का बचपन देख सकूं। खेतीबाड़ी करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन रहूंगा यहीं। खेतीबाड़ी? इसका मतलब हमें गेहूं और चावल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत दिनों के बाद नौटंकी देखने को मिलेगा। बहुत बताएंगा। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अरे सर, जाके गांव देखिए क्या जलवा है सर। सर जगीरा क्या पकड़ा गया, गांव वालों की तो दिवाली हो गई, क्या सजाए गांव को पूछे इससे। नाचने गाने का प्रोग्राम भी बना है, भरतपुर से कोई छमिया आई है। तुम क्या कहना चाहते हो? सर छमिया आई है तो फिर नाचना भी पड़ेगा ना सर। जरूर जरूर नाचेंगे गाएंगे। सही है, पूना की 2 टिकट आपकी सर। 2 टिकट? कौन जा रहा है मेरे साथ? वो कर्नल पुरी बोले, वो परसों ईद है ना, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ ईद मनाने के। अरे वाह, जरूर जरूर। वो कृष्णकांत हमेशा कहता रहता है कि सईदा बहू शेर कोरमा बहुत बढ़िया बना। शेर कोरमा नहीं पूरी साहब, शीर खुरमा। हाँ वही वही, मैंने सोचा कि मैं भी तो चखूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लाली लाली कौन है? अरे लाली तो गई। कहाँ गई? शहर गई। शहर? वहाँ बहुत सुखी रहेगी, बहुत सारे पैसे भी कमाएगी। ये देखो मुझे भी पैसे मिले। रामखोर, बता कहाँ है वो? मामा के पास, मामा के पास। मामा के पास? बेच दिया तूने उसे? नहीं, खरीद के लेके गए। कहाँ? शहर। कहाँ? बस स्टैंड। कौन सा बस स्टैंड? कौन सा बस स्टैंड? तुमकुर। सरफराज दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? वो लाली को मिलने गया है। बाबूजी, बाबूजी, अभी रेडियो पे खबर आई, जगीरा जेल से भाग गया है। क्या? देखो मैंने बोला था ना। सुनिए सुनिए सुनिए, आपका आदमी लाली के चाचा को जान से मार डालेगा। क्या? आइए चलो चलो। क्या हुआ? सरफराज कहाँ है? मत करो, बहुत मार रहा है मेरे को। सरफराज कहाँ है? बस चढ़ गया, लाली को ले गया। लाली बेटी क्यों गई लाली बस स्टॉप पर? लाली यही है सिंह साहब। चाचा ने मुझे सुबह से बात कर रखा है। इट्स अ ट्रैप, लेट्स गो। चलो चलो। क्या हुआ सर? चलो हथियार निकालो जल्दी से, जल्दी निकालो। होले 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 होले, पाओ जमीन पे धर फौजी, कोई स्यानपन करो तो खपड़िया के छितरा छितरा उड़ जे हैं।
जय बार देखो देखो कैसन कुत्तन जैसन बात मान रहो है हमरी, और उदिन उदरी साला हमरी गर्दन पे कटार रख के बोला था खोल दूंगा हमरी गर्दन पर ही घाव दिया है। क्या करता, 11 जने थे करम के जले और हम एकदम अकेले। नहीं, उस दिन मैंने अकेले ही तेरी गर्दन पकड़ के तेरी नाक जमीन में रगड़ी थी, भूल गया? मेरा बाया हाथ काफी है तुझे मट्टी चटाने के लिए, कुत्ते। अब भी तुझे खोल सकता हूँ। आया आ, नीचे आए मत। अबे चुप, करम के चलो, गोली चली नहीं कि करण लगे काय काय। मिलेगा मिलेगा, पुलिसियों का गोश्त तो कई बार चखाया, आज फौजी का खिलाएंगे पेसल गोश्त। बनाने वाले ने बहुत कम दिया। पर क्या करें, एक मिस्टेक कर दिया, खपड़िया को खाली छोड़ दिया रे। घर खपड़िया में कछु होता तो यहाँ जगीरा से भिड़ने ना आता। अब जरा हम भी देखें कैसे चटाते हो मिट्टी। नहीं,